नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आजकल जैसा मौसम चल रहा है जी, जैसे मतलब पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर वातावरण चल रहा है, तो राधे राधे के साथ साथ में जय श्री राम भी जरूरी बनता है। और आज तारीख क्या तारीख है हिंदू? आज 21 जनवरी आज है 21 जनवरी, और दिन है कल रविवार। आज दिन है रविवार। रविवार दिन भी बता दिया है हाँ, ना। सभी को कहना आप डेट बताओ ना आप दिन बताओ, यही चलते रहो। नहीं जी, अब ना डेट के कोशिश साथ करेंगे। अपडेट देख रहे हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं है। जो आप जानकारी देते हो ना, तो उस पर हम पूरी गौर करेंगे। ऐसा कुछ वो नहीं है बस कि याद इसको। नहीं रहता हाँ हमारे, बस जब बस फ्लो बस। फ्लो में भूल जाओ, कई बार अपने आप ही नहीं दिन डेट याद रखते। तो जी, जैसे कि आप सभी जानते ही हो, और पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर पूरा एक अलग ही माहौल बन वातावरण रहा बना है, हुआ जय बहुत श्री ही ज्यादा जय राम। श्री राम वाला वातावरण बना हुआ है। और कल है जो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा है, तो उसके उपलक्ष्य में ही सारी तैयारी चल रही है। और पिंजौर के अंदर भी देखा होगा आपने, पूरा बाजार सजा हुआ है। और कल यहाँ पे वो भी निकलेगी, कलश यात्रा भी निकलेगी, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया हुआ है। तो कोशिश करेंगे पूरी आपको वहाँ पे दिखाई जाए क्या क्या हो रहा है, पूरी जानकारी देंगे। और जैसे जैसे भी कार्यक्रम है उसकी भी अपडेट आपको देंगे। हम भी अपने घर में और कार्यक्रम करेंगे छोटा सा। हमने भी यहाँ पे जैसे भी क्या हुआ अभी अभी इसका देख बेटा वो देख के कर दो। दीदी देख कर दीदी। तो जी सुबह का टाइम है, और यहाँ पे थोड़े वो जैसे कुछ सामान भी लेके आना है क्या कल की तैयारी के दीये लिए? वगैरह लाएंगे, कैंडल्स लेके आएंगे, दिए वगैरह, डेकोरेशन का कैंडल सामान वगैरह, कुछ तो डेकोरेशन है। वाला थोड़ा बहुत सामान जो भी होगा वो लेके मैं तो आएंगे। है लड़िया सी है, लाइटें नहीं है हमारे पास। देखो अगर अच्छा लाइटें लगानी तो या फूलों से डेकोरेशन करनी। चलो, वो तो देख लेंगे इतने जैसे बड़े जैसे बड़े भी होगा। पोस्टर बनाएंगे, राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के, इतने बड़े अच्छा बड़े पोस्टर। ठीक है। तो जी अब जाएंगे, फटाफट से नाश्ता कर लेंगे क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। और मौसम ऐसा है ना, 10:30 बजे में भी आपको दिखा दूं मैं कितना मौसम ऐसा हो रहा है। मौसम ये कह रहा है कि ना सुबह के 7 बजे भी आपकी घड़ी गलत दिखा रही है। ये देखो अब भी यहाँ पे धूप का तो कोई नामो निशान नहीं, और मौसम देख लो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे हो रहा है, धुंध वाला, पूरा धुंध वाला मौसम है। और इधर कपड़े रात लेट तक इंदु कपड़े धो के लेटी थी, इसको एक कपड़े की ज़्यादा टेंशन रहती थी क्योंकि आजकल सुनीता नहीं आ रही है और कृष्णा के मिल रहे नहीं हैं ब्लॉक। इसको चाहिए अपने ब्लॉक कौन से हैं अब मुझे भी नहीं पता। वो था क्या जिसकी मैंने जिप ठीक करी थी, किट की, वो वाले ब्लॉक थे क्या वो इतना बड़ा जो कल तो आंख बंद करके डाल रहा था वो वाला, कौन से वाले? और बैग में जो आए थे छोटे से, छोटे से बैग में जिसकी मैंने जिप ठीक करी थी कल। हाँ। वही वाला तो अभी देखते हैं, कोई नहीं तो फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता क्योंकि बातें तो खैर चलती रहेंगी, उसके बाद काम भी जरूरी है, काम भी करने हैं। और बच्चे होंगे तैयार, सभी हम सब बच्चे तैयार जाएंगे उधर, मैं आशु को भी मिल गया। हाँ भाभी की आशु की तबीयत तबीयत थोड़ी थोड़ी नासाज चल ठीक नहीं है, तो रात भी डॉक्टर के पास आए थे मैं, और परसों मैं दवाई लेके गया था। मतलब 2-3 दिन हो गया ऐसे ही चल रहा है सिस्टम का ना, पीछे की दिक्कत हो जाना तो। कई बार नजला जुकाम कह रहे थे, हो रहा, मम्मी भी बता रहे थे कि नजला जुकाम सा भी हो रहा। और कुछ तो जी मौसम बदलता हुआ है, जिस दिन से हमारे हमने ही नहीं धूप देखी, उस दिन से रोज धूप निकल रही थी, जिस दिन से हमारे उस दिन से धूप ने अभी दिखना बंद कर दिया। चलो तो भाई, तो जी आगे हैं हम दुकान पे। पहले मैं घर चली गई थी सिद्धि, कृष्णा और रूही भाई हैं, मैं और पीहू आए हैं दुकान पे इसके डैडी की चाय लेके। डैडी ने हमें सरप्राइज दिया, ये इसका डैडी ने लेकर रख रखे हैं इनके लिए, ये कान से ही लगते हुए। सुबह की परेशान हो रही रूही, डैडी मुझे वो चाहिए, डैडी मुझे वो चाहिए। मतलब चाय कैसी लगी? चाय अच्छी बन रही थी। कैसी लगी विजय भाई चाय? तो अच्छी थी, फिर पी गया मैं सारा। अच्छा पी गया तू सारा? तो जी बताओ क्या क्या करना कल के लिए? हाँ आपकी ड्रेस के साथ भी मैच कर रही, दोनों अच्छे लग रहे, कंपटीशन कर लो दोनों। ये खेलने का है बस। ये सिर पर सींग से लगा के कानों को सर्दी लगेगी, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं सर्दी कानों को ही तो नहीं लगने की, सिर में तो ठंड घुसेगी। कैप लगा के इसके ऊपर लगा लो। कैप लगा, मैं क्या कह रही वो बताओ पहले मुझे कि क्या क्या करना कल के लिए कैसे। ये जो लाइटिंग सी कराते हैं ये आप करवा लो ना घर घर में, अंदर अंदर की साइड। ये थोड़ा ही ना हो जाएगी,
हाँ, लाइटिंग तो पहली तो बात है ही नहीं किसी के पास, खत्म होगी सब के पास, तो खरीद का लगवा दो ऑनलाइन। अब ऑनलाइन का टाइम है, कल को तो है नहीं, फूल लगा देंगे हम तो, फूल की माला बना के लगाऊंगा, आजकल थारे ऊपर बाल जरूरत से ज्यादा मिलने लगे मुझे। ये जरूर है, अच्छा चल। तो फिर देख बताने के नहीं मुझे लारे लगा रहे इधर से इधर, ये ले ले कैंडल ले ले, और दिए कितने दिए, 51 ले ले चाहे 21 ले ले, मतलब दो चार फालतू ले लेना, फिर वो है 31 जला देंगे कुछ, मतलब 51 लेगा या 21 लेगा, 31 कैसे जलेंगे, बाकी बस जहाँ कहीं खेड़े कूड़े पे जाना हो उसमें क्या हुआ। और कैंडल्स ले लूं, रंगोली बनाएंगे, हाँ पटाखे लेंगे, फूलों की रंगोली बना ले, पटाखे भी लेंगे, डैडी पटाखे नहीं बेटे, पटाखे नहीं, फिर चोट लगने, कृष्णा भी छोटा है, फिर किसी के ऊपर पटक पटक जा और पता लगा हमारा ही राम आएंगे हो गया घर। तो चलो बस फिर, एक ना उसने मोनिका ने कान्हा जी की अपनी ड्रेस बनवाने के लिए बोला था, तो वो ऊन लेनी मुझे, हमें इसलिए वो तो मंडे को मिलेगी, मंडे को नहीं, वो तो आज भी मिले है, ऊन तो रोज ही मिला है, बस मंडे को वो बाहर गली में घेर कर रखा है सड़क पे, मंडे को बस बनवा, किससे बनवा, गली तो है मंडे, बनवानी तो इधर ही, वो आंटी जिन पे मैंने अपने गोविंद माधव की बनवाई थी, देते ना फिर, हाँ तो मैं देखती चली जाऊंगी और क्या। चलिए जी बस फिर चलते हैं, मैं और पीहू देख के आते हैं क्या क्या हमें लेना, कुछ एक दो अड़ंगा हमें फालतू दिख गया वो बिठा लाएंगे, ठीक है पीहू देवी। तो जी देखिए यहाँ पे मैं और पीहू आए थे मार्केट दिए वगैरह लेने के लिए, क्योंकि अगले दिन 22 जनवरी थी, तो उसी के लिए ही हम यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी कर रहे थे, हालांकि वीडियो पुराना है पर मैंने भी सोच लिया, मैंने कहा पुराना हो नया हो शेयर तो मैं जरूर करूंगी। हाँ आजकल ना इंस्टाग्राम पे मैंने सुना एक गाना चल रहा है कि सासू लड़ूंगी जरूर चाहे जान चली जाए, वही मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा शेयर जरूर करूंगी चाहे पुराना क्यों ना हो जाए। तो ये चीज़ें हैं कि भई आप लोगों के लिए हम शूट करते हैं कि हम क्या कैसे करते हैं, तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा पुराना हो जाता है क्योंकि जो स्पेशल ओकेजन होते हैं जैसे कि ये 22 जनवरी का था, तो वो वाले वीडियो उस टाइम शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसीलिए फिर मैंने वो पहले शेयर किए, तो ये रह गए थे तो इनको मैं लाइन वाइज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने लिए थे दिए, और दिए के बाद हमने एक दो चीज़ और ली थी, बल्कि मैंने थोड़ी सी ऊन वगैरह भी ली थी, ऊन मैंने ली थी कान्हा जी के लिए, ये मोनिका जो मेरी बहन है उसने अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनवानी थी, तो उसी के ही लिए मैंने यहाँ पे ये ऊन ली थी, और ऊन लेके फिर मैं गई थी दूसरी दुकान। ट्रेन से गए हैं हमेशा तो आते हो मज्जी वाले, निकालो निकालो बाहर निकालो, सारी रंग बिरंगी, अरे तो क्रिसमस से का कलर होगा, अब तो दो ऑरेंज कलर की पिनानी चाहिए, ये तो बड़ी उनके हमारे वाले बसंत पंचमी भी नहीं, कल को आंटी जी कल, अच्छा अच्छा है, आ जाएगी ये उनके देते, कितने नंबर का है, 7 है, 7 है आने के लिए ना, फिर देख का दो आंटी जी, फिर मुझे थोड़ा लंबा, मुझे तो सारे आप ही देखो, मुझे मैं तो ड्यूटी कर रही हूँ, खड़े होने की ये तो बहुत बड़ी बड़ी और अच्छे था ना, ये तो कोल्ड आया कर, मैं तो जाके ना दूमी सो रहा हूँ।
तो जी यहाँ पे सामान वगैरह लेके हम आगे थे, और ये जो दुकान है, आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कान्हा जी का सामान कहाँ से लेती हूँ, तो ये जो दुकान थी जिसपे आपने मुझे अभी देखा है, मैं वहीं से ही कान्हा जी का सामान लेती हूँ। बल्कि कान्हा जी के जो पैसे हो जाते हैं उनसे हर 2 महीने में 3 महीने में मैं उनके लिए ही कुछ ना कुछ खरीद लेती हूँ, और उनके पैसों से भी मतलब ये है कि जितनी भी मेरी इनकम होती है या हमारी इनकम होती है उसका एक हिस्सा हम अपने भगवान जी के लिए निकालते हैं, जिसमें से कि चाहे मैं कान्हा जी के लिए कुछ सामान ले लूँ या मैं अपने मंदिर के लिए ले लूँ, तो इस तरीके से होता है। तो मैंने बल्कि कान्हा जी के लिए बेड वगैरह, कुछ उनके खेल खिलौने से 1-2 जोड़ी कपड़े वगैरह भी लिए थे। वीडियो वो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, आगे किसी वीडियो में मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगी कि मैं कान्हा जी के लिए क्या क्या लेके आई थी। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वापस, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेके, और पीहू के डैडी हमें गए थे घर छोड़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो धीरे धीरे कर रहे हैं, बच्चे भी उठने लग रहे हैं जी। ये देखिए कृष्णा, हेलो किचू, दीदी नहीं उठी ना? रुईया भी उठी नहीं, और कृष्णा उठ गया है। कृष्णा को आज पता है कहीं ना कहीं बाहर जाना है, तो इसलिए जल्दी उठ गए। और इधर लग गए हैं इंदु अपने काम में फटाफट से, रात के धोए हुए कपड़े यार ड्राई करके, आज सूख जाए तो ठीक है, वैसे निकलेगी धूप आज लग रहा है। इसीलिए तो बस मन ने सोचा सारे काम काज बाद में, पहले फैलाया हूँ, हवा तो निकल कर सूखेंगे थोड़े से, पहले ये वाला काम है। और मौसम आज भी ठंडा हो रखा है जी, बहुत ज्यादा, पूरी ठंड है, शीत लहर चल रही है, पूरी शीत लहर ना निकलने लगी धूप, और हाँ धूप निकलेगी आज। तो जी यहाँ पे ये है 22 जनवरी की मॉर्निंग, और ठंड में ना सच में सुबह को उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर क्या करे, काम जरूरी है करने। यहाँ पे पीयू के डैडी तो नहा धो के तैयार हो गए थे, पूजा पाठ वगैरह कर ली थी, मेरा काम रह रहा था थोड़ा सा, तो मैं अपना वही कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं मुझे उठाने थे बिस्तरे वगैरह सारे, तो वही मैं उठा दे रही हूँ, और उसके बाद मुझे अपनी साफ सफाई वगैरह सारी करनी थी। तो कपड़े वगैरह भी हो रखे थे, एक दिन पहले मैंने धोए थे शाम को। आप लोग मुझे कह भी रहे थे कोई कि दी शाम को कपड़े मत धोया करो। शाम को मेरा कपड़े धोने का रीजन ये रहता है कि सुबह के टाइम और काम बहुत सारे हो जाते हैं, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, नाश्ता पानी, फिर दोपहर का खाना साथ के साथ थोड़ी देर बाद ही, फिर और भी, तो शाम को मुझे ईजी लगता है। दूसरा कारण मेरा ये रहता है क्योंकि इस समय मौसम जो है वो ठंड का है, कोहरा पड़ता है या कुछ भी, तो अगर सुबह ही, जैसे मान लीजिए शाम को मैंने कपड़े धोए हैं और अगर सुबह ही धूप निकली है तो वो कपड़े डल जाते हैं धूप में। नहीं तो क्या होता है कि ज्यादातर टाइम तो कपड़े धोने में ही निकल जाता है, इतने में धूप भी चली जाती है, तो फिर वो कपड़े सूख नहीं पाते। तो मुझे ये रहता है कि कपड़े कम से कम शाम को धुले हैं तो सुबह ही उनको जल्दी फैला देंगे तो वो सूख जाएंगे, तो इस वजह से मैं कपड़े धोती हूँ। और वैसे भी मैं पर्सनली भी बताऊं तो मुझे पता नहीं क्यों शाम को ही कपड़े धोने ज्यादा सही लगते हैं, क्योंकि शाम को मेरा इतना वर्कलोड नहीं होता कि मुझे ये करना या वो करना, तो इस वजह से। तो जी देखिए, अपने पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद मैं साथ के साथ लगा दूंगी पोछा, और फिर उसके बाद मैं भी नहा धो के तैयार हो जाऊंगी। नहा धो के हमें उधर जाना था क्योंकि हमारे तो पास जो है राम दरबार था, तो उधर जाना था, और साथ के साथ पीहू के डैडी भी कह रहे थे कि चल मैं दिखा लाऊं तुझे, क्योंकि ये मौका बार बार तो मिलता नहीं। तो बस फिर हम नहा धो के तैयार होके साफ सफाई वगैरह करके सारा कुछ करके उधर गए थे आशु के पास, वहां का वीडियो हमने शूट नहीं किया था। तो जी बस आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।